क्या समस्या क्या है? मैं लड़ो रही हूँ आप। मैं लड़का बीमार पड़ा, उसको टीबी हो गई, टीबी पी के। अच्छा हाँ, और कहते हैं हम वही करेंगे, हमें नहीं पता। नहीं, क्या समस्या क्या थी? क्या दारू 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 सब में ज्यादा है दीदी, काम में दारू है, काम में दारू है। पुलिस आएगी फिर भग जाने, फिर थोड़ी बहुत देर को तू भग जा, फिर वो पुलिस चली जाओ, रात भर बैठी रहेगी पुलिस। शराब की वजह से गाँव में ऐसी बात नहीं, सारे गाँव में। मैं तो बहुत जो और काम पीछे है, अपनी दारू में जुआ में आग लग जाए। मैं तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं तो रात जल रहा हूँ। एसीपी हमारे हैं, देखो भाई शराब की जो यहाँ समस्या है, शराब बनाते हैं तो जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगली बार मुझे सुनने को ना मिले की शराब यहाँ बनाई जा रही है। जिसको आदमी ना पिया वो तो हंसेगी, दूसरी पिट रही है, दूसरी पिट रही है, उन्हें पता है जब पिटे है जो बीरवानी जो डाल देते हैं, दूसरी पिट रही है। मंच पर नहीं रखी गई तो आप लोग क्यों नहीं आगे? जान नहीं देगी, जान नहीं देगी, जान नहीं नहीं जान दी। गाँव अनंतपुर में पहुंचे हैं और यहाँ महिलाएं एक समस्या को लेकर बहुत परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हरियाणा की भाजपा सरकार करती है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? क्या समस्या क्या है? मैं क्यों रो रही हूँ आप? मैं लड़का बीमार पड़ा, उसको टीबी हो गई, टीबी पी के। अच्छा हाँ, और कहते हैं हम वही करेंगे, हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही देखेंगे। रोक लो, कौन रोक, कहाँ बिकती है? खेतों में, पहाड़ों पे बिकती है। अनंतपुर में? हाँ, अनंतपुर में। अच्छा हाँ, उसी से मैं लड़का बीमार हो गया, सभी हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं सभी। क्या नाम है उनके? दारू बिकते नहीं, क्या समस्या क्या थी? क्या दारू 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 सब में ज्यादा है दीदी, गाँव में दारू है। कहाँ बिकती है अनंतपुर गाँव में? अनंतपुर में खेत में, बूढ़ा बूढ़ा लोग बेचते हैं, वे बेचते हैं गुजर। अच्छा, गुजर तो बहुत सारे हैं, तो फिर पुलिस भी है यहाँ पर? पुलिस ना करते दीदी कुछ भी। अच्छा, पुलिस आएगी फिर भग जाने, फिर थोड़ी बहुत देर को तू भग जा, फिर वो पुलिस चली जाओ, रात भर बैठी रहेगी पुलिस। तो ये तो पता है, जब आपको पता है पहाड़ पे दारू बन रही है, बिक रही है इलीगल, नहीं जाते? ना जाते। क्यों नहीं जाते? ना जाते, नहीं जाते। क्या समस्या है? कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो शराब की वजह से गाँव में, ऐसी बात नहीं, सारा गाँव में। मैं तो बहुत जो और काम पीछे है, अपनी दारू में जुआ में आग लग जाए। मैं तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं तो रात दिन रो रही हूँ। हाँ, जुआ कौन खिलाता है? जुआ पैसा दे देते हैं, जुआ दे देते हैं, 5-10 हजार रूपए सैकड़ा कभी आते हैं और हार जाते हैं। अच्छा, यानी 10 हजार रूपए सैकड़ा के दे देते हैं और खिलाते हैं, फिर आप जीत लेते हैं। लेकिन जुआ तो बैन है, दारू इतनी पीते, 50 जगह दारू पीते, वहाँ जाए वहाँ वहाँ जाए वहाँ कमा कर लाओ, जब भी ना दिन दे पूरे रहते थे ऊता मार के जा घर, ना देना रुपया तो उनका माँ बाप पटा में कर्जा, वे तो पटाएंगे कहाँ करे, मजबूरी में पटा। बहुत बुरी हालत हो रही है, दारू को कभी जरूरी तो कंट्रोल करो, दारू छुटा दो, परिवार बिगड़ रहे हैं। एसीपी हमारे हैं, देखो भाई शराब की जो यहाँ समस्या है, शराब बनाते हैं तो जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगली बार मुझे सुनने को ना मिले की शराब यहाँ बनाई जा रही है, मैं कार्रवाई में मुझे जवाब देंगे आप कार्रवाई करके कि भाई जो भी है उनको पकड़ो, सख्त कार्रवाई करो, ये गलत बात है, ये घर घर में ये गलत बात है। अभी अभी विधायक राजेश नागर जी ने, जो यहाँ के आला अधिकारी थे पुलिस के, आपने सवाल किया, हमने पूछा तो उन्होंने कहा, सख्ती से कहा है कि ये दारू आगे से नहीं नजर आनी चाहिए यहाँ पर और हम कार्रवाई करेंगे। लगता है कि आपकी आवाज हमने पहुँचाई है, थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी दीदी। नो बताओ, जब पवला की नेता आपको तैयार है, आधी बार तो तुम्हारी वासी काट के लिया था, हम तो तुम्हारे यूं ही कहें, चाहे तुम हमें कुछ और दो मत दो, ये दारू छुटा दो, होना चाहिए और आतंक के ज्यादा सुविधा तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और यहाँ भी ना हो, माँ भी ना जीन दे, बाप भी ना जीन दे, मारे रोज आते घर में। जिसको आदमी ना पिया वो तो हंसेगी, सुसरी पिट रही है, सुसरी पिट रही है, उन्हें पता है जब पिटे है जो बीरवानी जो डाल देते हैं, गलत भी ना होगी वो बीरवानी, जब तक हमारे ना वाकू भी हो, तेरे बहू तो फलाने ते ही गंदी है, नो बताओ उन्हें पता है ना। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, दारू और जुआ जरा उछल, यहाँ पर जो पुलिस है, आप गए हो कभी इकट्ठे हो के सब लोग, एक एक आदमी जाएगा, जो मीडिया वाले पहले आए थे जब कही थी पर बजी, उन्हें कुछ नहीं सुनाई, सब इकट्ठे होके पुलिस कमिश्नर के पास गए हो कि हमारे गांव में ये हो रहा है भैया, इससे हमें छुटकारा, ऐसे तो नहीं है। पर यहाँ आप जब तक देखो, आप जब तक जाओगे नहीं तब तक सुनेगा कौन? आज भी आपने, आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ थी, सबकी समस्या थी,
लेकिन मंच पर नहीं रखी गई तो आप लोग क्यों नहीं आ गए? जान नहीं दे दी, जान नहीं दे दी, जान नहीं दी, अब भी नहीं जान दी है। अब हम कह रहे हैं हम जब तो ये आपके लिए तो आए थे, हमारे लिए आए थे, समाचार देने को आए थे, आज इनकी सुनकर आएंगे कुछ। तो देखिए गांव अनमपुर की ये तमाम महिलाएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है अवैध रूप से जो यहाँ पर जुआ खिलाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है उसे लेकर गुहार लगाई है। पुलिस कमिश्नर इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं? हालांकि विधायक राजेश नागर इस मामले में सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह है कि अनंतपुर की महिलाओं की इस समस्या को लेकर प्रशासन कितना गंभीर नजर आता है और कर्तव्य जो है भाव से इन महिलाओं ने इस समस्या से निजात दिलाने की जो अपील शासन प्रशासन को लगाई है उस अपील को कितनी जल्दी वो सुनकर इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।